हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर वेल। बाकी आज की वीडियो में काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाली है, वो तो आप लोगों को थंबनेल से पता ही चल गया होगा। आज हम करने वाले हैं $10 मिलियन चैलेंज को पूरा। देखते हैं क्या क्या होने वाला है। इसमें बहुत कुछ अच्छा हुआ है, बहुत कुछ बुरा भी हुआ है। बाकी एक न्यू अपडेट आ चुका है, यहाँ पे ऊपर दिखा देता हूँ। ये देखो, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, बस खाली स्किल पॉइंट भी ऐड करते हो, भी पैसे का। भाई कौन स्किल पॉइंट पैसे से खरीदता है? बाकी जिसकी मर्जी। बाकी ये देखो अमाउंट, देखो 690 में 10 स्किल पॉइंट और 1850 रुपये में 5 स्किल पॉइंट। मतलब कुछ भी अमाउंट डाल दिया भाई इन्होंने अंधा धुन। और 1850 में 30 स्किल पॉइंट भी है, 5 भी है। मतलब कुछ भी अपडेट ला दिया। कुछ समझ नहीं आ रहा था तो कुछ भी अपडेट ला दो, कोई बात नहीं। अपने को उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, अपनी तो स्किल पॉइंट ऐसे ही कमा लेंगे। जिसको मेहनत नहीं करना है उसके लिए है। बाकी आज की वीडियो में ना बहुत कुछ बुरा भी है और बहुत कुछ अच्छा। बाकी एक FPS वाला अपडेट भी आ चुका है। नीचे FPS देख रहे हो, ये मतलब ज़्यादा चल रहा है तो मतलब मोबाइल एकदम स्मूथ चल रही है, और एकदम कम हो रहा है तो मतलब मोबाइल बहुत ज़्यादा लैग कर रही है। और इसमें मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हुई क्योंकि 12 बजे से पहले मैं सो भी नहीं सकता हूँ इसमें। अगर मैं 12 बजे से पहले सो सकता तो इसको मैं बहुत जल्दी कर लेता। और ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग इसकी पूरी 15 GB के अराउंड, भाई 15 GB तक की स्क्रीन रिकॉर्डिंग हुई है। और पूरा 225 मिनट तक का इसका वो है, 225 मिनट तक की रिकॉर्डिंग थी। और इसको मैंने कुछ भी करके 25 मिनट में कवर किया है। तो गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है इसको बनाने में। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और गेम को मैंने 20 डेज खेला है तब जाके ये पूरा चैलेंज पूरा हुआ है $10 मिलियन का। तो अभी देखो यहाँ पे ये सबसे पहले ये पोर्शा खरीद रहा हूँ। मेरे पास जितना अमाउंट है $1 मिलियन छोड़ के, वो पूरा लिख के इसको मैं खरीदने वाला हूँ। अपने पास पहले से 1 मिलियन रहेगा, आप 9 मिलियन जमा करेंगे। 9 मिलियन क्यों जमा करो आपको मैं बाद में बताऊंगा। गेम में और भी बहुत कुछ हुआ है भाई, तुम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते और क्या क्या हुआ है। इसलिए मैं वो 10 मिलियन पूरा करने वाला हूँ। अभी देखो 1 मिलियन एकदम परफेक्ट है, इसको हम एंड तक पूरा 10 मिलियन करने वाले हैं। तो ये मत बोलना कि 9 मिलियन हुआ, 10 नहीं। वो मैं जब आपको इसके बाद वाली एक और वीडियो आएगी वो देखोगे तब आपको समझ में आएगा, हाँ भाई 10 मिलियन से ज़्यादा पैसा इसने कमा लिया था। वो बस खाली इसका थोड़ा बहुत कुछ तो हुआ है, वो मैं बताऊँगा क्या हुआ है। बहुत बड़ा घाटा हुआ है, आगे वीडियो में तुमको पता चलेगा कैसे हुआ है। बाकी एक चीज़ मुझे बहुत बेकार लगी इस गेम में कि 12 बजे से पहले मैं सो नहीं सकता, ये पहली बात रही। और दूसरी बात ये रही कि ऑक्शन भी इसमें आते रहते, और ऑक्शन में गाड़ी मिलती नहीं। मेरे को ज़्यादा चाहिए था कार मार्केट मिले, और कार मार्केट मिली भी तो भाई उसके अंदर मतलब सस्ती गाड़ियाँ थी। मैं चाहता था महंगी गाड़ियाँ आए, लैम्बोर्गिनी आए, फरारी आए, ये सब गाड़ियाँ आए, ऑडी R8 जैसी। तो मैं इन सभी को बेच के ज़्यादा से ज़्यादा पैसे और जल्दी कमा सकता हूँ, लेकिन आ ही नहीं रही थी भाई। स्टार्ट में तो 3-4 बार कार मार्केट में कुछ था ही नहीं, तो मेरे दिमाग की बहुत ज़्यादा हटी। लेकिन फिर मैंने कंट्रोल किया, मैं बोला करते हैं भाई, चलो करना है, अब शुरू किया है तो कर ही देते हैं। बाकी रिकॉर्डिंग हुए जा रही थी। बाकी मैंने कुछ ड्रैग रेस वगैरह भी बहुत सारी चीज़ें की है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो अभी यहाँ तो बेकार गाड़ी थी। अभी चलते हैं, सेल करते हैं अपनी पोर्शा को, देखते हैं क्या होता है, कस्टमर आया कि नहीं। तो कस्टमर यहाँ आया हुआ था। बाकी अभी चलते हैं, इन सभी को जल्दी सेल करते हैं। ये मैंने कार मार्केट से ले ली थी, ये कुछ इतनी गाड़ियाँ, कुछ 3-4 ही गाड़ियाँ ली है। अभी इन सभी को सेल करते हैं। चलो अभी 2 और बची, देख रहे हो आज महंगी गाड़ी थी ही नहीं, बस खाली एक ये ले आया और एक वो शेवलेट लाया था, 2 गाड़ी, टोयोटा सुपर और शेवलेट। बाकी एक पोर्शा तो पहले से ही खड़ी थी, देखते हैं। बाकी मैं दिन के एंड में दिखाऊंगा अपना प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। बाकी अब यहाँ पे सेल करते हैं। बाकी इन लोग भी बहुत नाटक कर रहे थे भाई इस वक्त, ऐसे ये तो 1-1 लाख में आराम से बिक जाती है, 1-10 में 15 में, लेकिन इन लोग मान ही नहीं रहते, तो कम में ही बेचना पड़ा। लेकिन बेचा मैंने, थोड़ा कंट्रोल किया, बोला चलो भाई करना तो ही है, तो जो भी होगा अपने को करना है बस। तब ये पोर्शा बचा है, इसका देखते कस्टमर, तो कोई आया नहीं कस्टमर, तो मैं आ गया सोने के लिए। और आज देखते प्रॉफिट हुआ है कि लॉस, तो आज लॉस हुआ है 1,12,000 का, ये कल कवर हो जाएगा प्रॉफिट में, आज तो लॉस हो गया है। वेट करते हैं, देखते हैं कल। ओ आज मंडे है यार, एक चीज़ और थी यार, मंडे के दिन कुछ खुला ही नहीं रहता है भाई, तो इधर इस दिन तो कुछ कर ही नहीं सकते, इसीलिए सोना पड़ा। और सोने जाता हो तो 12 बजे पहले बोलता सो नहीं सकते, और ऐड देखने का ऑप्शन नहीं क्योंकि मैंने ऐड ब्लॉकर लगा रखा है, ऐड मेरे इसमें आएगा ही नहीं गेम में, इसीलिए मेरे को कुछ भी करके जाना पड़ा आज के दिन भी काम करने के लिए। तो मैं आ गया और सिर्फ ये पोर्शा के कस्टमर थे, तो यही मैंने सोचा सेल वेल करके आज का दिन कैसे भी 12 बजाते हैं, 12 बजते ही चले जाएंगे सोने के लिए। तो ये देखो 2,50,000 बोला इसको, और ये भी लॉस दे के चले गए यार, 2,23,000 की पड़ी थी, 2,50,000 में बेचनी पड़ी, सिर्फ 25,000 का फ़ायदा हुआ। इन लोग भी बहुत ज़्यादा नाटक कर रहे थे भाई, खरीद ही नहीं रहे थे गाड़ी, एकदम कम अमाउंट बोल रहे थे जब वीडियो स्टार्ट हुई थी 1-2 दिन तक। बाकी बिल भी है तो बिल भी पेड कर देता हूँ, तो अभी तो कम बिल आएगी शायद, इसीलिए पेड कर देता हूँ, आगे चल के देखेंगे। ज़्यादा रही अगर 1-2 लाख तो नहीं भरूंगा भाई, बिल भरने लग गया तो फिर
बेकार है जो मेरे साथ, चलता हूँ अभी सोने में। तो नेक्स्ट डे कार मार्केट खुली तो आ गया हूँ कार मार्केट। अब यहाँ से देखते हैं कोई महंगी गाड़ी आई है क्या, दिख तो नहीं रही है कोई महंगी। अच्छा वहाँ पे एक ऑडी R8 खड़ी हुई है, चलो कुछ तो अच्छा हुआ, एक ही सही लेकिन मिली तो, बाकी सब बेकार है, सिर्फ एक ऑडी R8 यही सही है। चलो जो भी मिलेगी सब गाड़ियाँ खरीद करके चलते हैं ऑफिस। तो ऑफिस आ गया हूँ, यहाँ पे देखो कुछ इतनी गाड़ियाँ लाया हूँ मैं, इसमें से एक बस खाली महंगी है ऑडी R8 और एक पोर्शा। पोर्शा भी बेकार ही है भाई, अभी इसका प्राइस मिल ही नहीं रहा, अभी सबको सेल पे लगा दिया है। अब यहाँ पे कस्टमर भी आ चुके हैं, अब इन सभी को सेल करता हूँ फास्ट फॉरवर्ड में, ज़्यादा नहीं तो टाइम हो जाएगा ना इसीलिए। तो अभी गाड़ी सारी बेच दी है, अभी आज ऑक्शन है तो मजबूरी है भाई, ऑक्शन तो मेरे को पसंद नहीं है ज़रा भी, लेकिन फिर भी जाना पड़ेगा। तो चलते हैं ऑक्शन के लिए, देखते वहाँ पे कोई अच्छी गाड़ी होगी तो उसको भी परचेस करेंगे। तो अभी आ गया हूँ यहाँ पे, पहली गाड़ी आ चुकी है, वो भी बेकार है भाई, मूड ख़राब। अभी चलते हैं यहाँ से, टिकट इससे लेते हैं और चल के बैठते हैं, देखते हैं क्या होता है, कोई अच्छी गाड़ी आती है कि नहीं। तो अभी मिलता हूँ जो भी मिलता है ख़रीदने के बाद। तो ख़रीद ली थी सारी गाड़ियाँ और ऑफिस में भेज दी थी, एक ही आ गया हूँ लेके सोने के लिए। बाकी आज देखते हैं प्रॉफिट हुआ है कि लॉस, मेरे ख्याल से प्रॉफिट ही हुआ होगा। हाँ देखो प्रॉफिट हुआ है, 8,19,000 का प्रॉफिट। बाकी अभी नेक्स्ट डे कर दिया है, अभी चलते हैं यहाँ से। आज भी ऑक्शन है यार, ये ऑक्शन देख ले रहा था ना तो मेरा दिमाग ख़राब हो जा रहा था, मतलब कार मार्केट क्यों नहीं, ऑक्शन क्यों हुए, मेरे को ऑक्शन नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी थोड़ा सब्र करके बोलना पड़ा, चलो जान दो कोई बात नहीं। इसीलिए मैं पहले ही गाड़ी खरीद ले रहा था, अगले दिन ऑक्शन होने लगा था तो उसको सेल नहीं करता था, बोलता था बाद में करूँगा। तो अभी आ गया हूँ, अभी यहाँ पे सारी गाड़ियाँ सेल पे लगा दी है, अभी चलते हैं फास्ट फॉरवर्ड में, एकदम फुल सेल करके हटाते हैं सारी की सारी गाड़ियाँ। चलो आ जाओ। तो सारी गाड़ियाँ सेल करते करते 2 बज गए थे, बाकी यहाँ ड्रैग रेस में भी कोई अच्छी गाड़ी थी नहीं। तो अभी चलते सोने के लिए, अपने को बस 12 बजे तक का इंतज़ार करना है, बाकी ऑक्शन में गया नहीं, कोई भी अच्छी गाड़ी आई हुई नहीं थी। बाकी आज अपना हुआ है प्रॉफिट 6,51,000 का, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट था। तो अभी चलते हैं, आज तो लॉस ही होने वाला है क्योंकि गाड़ी खरीदेंगे हम, कार मार्केट ओपन थी। तो अभी यहाँ पे आ जाते हैं और सारी देखते हैं कोई महंगी गाड़ी आई है कि नहीं, महंगी आई है कि नहीं। आज भी देखो थोड़ा मूड ख़राब हो गया क्योंकि आज तो कोई भी महंगी गाड़ी आई नहीं है सिड्डो। चलो कोई भी अभी खरीद के निकलते हैं, कोई सी भी, अपने को बस खाली दिन ख़राब नहीं जाने देना, कुछ तो कमाना है। तो वही किया मैंने, गाड़ियाँ खरीदी और ऑफिस में ला कर रख दी, बाकी एकदम परफेक्ट 12 बज गए, अभी सोते हैं। और आज लॉस हुआ है 1,45,000 का, ये कल कवर हो जाएगा, कल देखते हैं क्या होएगा कार मार्केट या फिर ऑक्शन। तो आज तो है ऑक्शन, तो कल वाली गाड़ियां जब तक बेचते हैं जब तक ऑक्शन का टाइम हो जाएगा, आज चले जाते हैं ऑक्शन अटेंड कर लेते हैं। तो अभी गाड़ी तो सारी सेल कर दी है, अब चलते हैं ऑक्शन में। ऐसे पैदल जा रहा हूँ क्योंकि गाड़ी ख़रीदने के बाद गाड़ी से आऊँगा ना, ऐसे टोपलेस खाली नहीं रहेगा। तो अभी चलते हैं, देखते हैं कोई अच्छी गाड़ी मिलती है कि नहीं। बाकी गाइस वीडियो लाइक कर दो जल्दी से। तो बाकी अभी देखो ऑक्शन में बैठ चुके हैं, अभी देखते हो पहले तो मर्सिडीज कूपे आई हुई है, चलो ख़रीद लेते हैं कोई बात नहीं, जो भी आती है सारी खरीद के हटाते हैं क्योंकि अपने को अभी कुछ भी चलेगी, बस अपने को ज़्यादा ज़्यादा सेल करना है गाड़ियाँ। बाकी अपने पास 2.4 मिलियन हो चुके हैं, तो अभी देखते हैं आगे की कमाई कितनी होती है। अभी जितनी भी आ रही है ना सब ख़रीदता हूँ, और सब्सक्राइब भी कर लो भाई, जो लोग नए हो देख रहे हो ना प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो भाई, ये तो चाहिए नहीं मेरे को खटारा। तो अभी अंकल जी से थोड़ा मस्ती करते, हेलो अंकल जी, बाकी बाल बच्चे कैसे आपके, ठीक है बढ़िया है सब, उसको नहला देता हूँ, मस्त सूट वूट पहन के आ गया है हाँ अभी, लेकिन बस खाली नहा के नहीं आया, सूट वूट पहनने से कुछ नहीं होगा, नहाना भी पड़ता है समझे ना अंकल, नहाना भी पड़ता है। ये लो अच्छे से नहा लो, थोड़ा बरस से घर देता हूँ, मुँह ज़्यादा हो गया, सॉरी गाइस आई एम नॉट अ रेसिस्ट, काला नहीं बोला मैंने अभी बोल दी कोई बात नहीं कोई बात नहीं, चलो अभी निकलो। तो ऑक्शन की सारी गाड़ियाँ ऑफिस में खड़ी कर दी है, और यहाँ पे एक आई हुई है फरारी, तो इससे बैटरी स्कार करते, बाकी इस टाइम मेरी बहुत फट रही थी भाई, अगर चली गई तो क्या होगा मेरा, तो मैंने थोड़ा रिस्क लिया और रेस किया, अभी देखो जीतते हैं कि हारते हैं, सस्पेंस रहना चाहिए ना, अभी मैं बता दूंगा क्या फ़ायदा फिर। तो देखो भाई लॉस होएगा कि प्रॉफिट, यहाँ तक तो मैं एकदम आगे था और मेरी फट रही थी कहीं वो ना आगे आ जाए, लेकिन मैं जीत गया और मेरे पास हो चुकी एक फोकट की फरारी, और उसको मैंने टो करा दिया, तो इसमें एक अच्छा प्रॉफिट हुआ। तो अभी आ गया हूँ सोने के लिए, आज देखते हैं प्रॉफिट हुआ कि लॉस। बाकी एक फरारी तो ऐसी ही आ गई बिना पैसे की, तो मज़ा आई काफ़ी ज़्यादा, इसको देखते हैं आज प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ होगा, हाँ लॉस हुआ 1,29,000 क्योंकि आज गाड़ियाँ खरीदी हैं बेची नहीं है। तो आज है कार मार्केट, और मैं कार मार्केट अभी गया नहीं, पहले सोचा कल वाली गाड़ियाँ सारी सेल करके हटाते हैं उसके बाद चलेंगे कार मार्केट। अभी कस्टमर का वेट था, आ चुके कस्टमर, अभी चलो इसको एकदम मस्त फास्ट फॉरवर्ड में ख़त्म करते हैं सारी गाड़ियां सेल करके,
बाकी गाइस वीडियो को लाइक कर दो जल्दी से जिन्होंने अभी तक लाइक किया नहीं है। तो अभी देखो सारी गाड़ियां मैंने सेल करके अभी आ गया हूँ ड्रैग रेस के लिए। अभी यहाँ से देखते हैं कोई आई है क्या ड्रैग रेस में, नहीं आई है भाई, ये ला फरारी है। चलो इसको ना एक काम करते हैं, इससे लगा के देखते हैं टोयोटा सुप्रा से। और ये मैंने ज़रा भी रिपेयर नहीं करी, कार मार्केट से अभी जस्ट लाया हूँ। देखते अगर ये हरा देती है इसको भाई तो टोयोटा अरे इसकी ला फरारी की बेइज्जती हो जाएगी, कि मतलब एक 50-70 हज़ार की गाड़ी ने हरा दी 2 मिलियन की गाड़ी को। चलो देखते क्या होता है। अभी स्टार्ट हो चुका है गेम, अभी देखो अभी तो मैं ही आ गया हूँ। छी भाई यार इतनी गंदी गाड़ी है ना, मतलब इनको ना कुछ करना चाहिए डेवलपर्स को, स्पीड बढ़ानी चाहिए। बेइज्जती हो गई कितनी गंदी, देखो इतना गंदा आ रही है। मैं चाहता तो अपनी ला फरारी ला के वर्सेस कर सकता, लेकिन मेरी थोड़ी फटी इसलिए मैंने नहीं किया। बाकी अभी 25,000 जीता हूँ। सामने एक और आई है टोयोटा सुप्रा, चलो इससे वर्सेस करते। ब्रिटिश कार जीतेंगे तो एक और कार आ जाएगी, बस हार जाएंगे तो बहुत गंदा लॉस हो जाएगा, जितना आया उसका दुगना चले जाएगा। 25 जीता था 50 जाएगा अगर हारा तो। बाकी अभी तो मैं आगे हूँ एकदम भाई, इतना सा आगे, एकदम थोड़ा सी आगे हूँ। ये क्या बहुत गंदा लॉस हो गया यार, मतलब जितना मैं वो किया था जीता था 25, 75 की गाड़ी चली गई, 50 चला गया, 25 जीत गया। यही लॉस की बात कर रहा था भाई, यही लॉस की बात, कि मतलब अभी बेचा होता तो कुछ पैसे आए होते, लेकिन ज़बरदस्ती बैटिस कार करके वो कर दिया। बहुत गंदा लॉस हो गया यार, बहुत ज़्यादा गंदा लॉस हो गया। कोई बात नहीं, बाकी आज लॉस वैसे भी हुआ है 2,70,000 का फिर से। कोई बात नहीं, अब तो आदत सी हो गई लॉस सहने की, चलते अभी। तो आज है मंडे, आज कुछ ओपन नहीं है, इसीलिए बहुत दिन हो गए थे GTR साफ़ किए, इसीलिए अभी सभी GTR की सफाई कर रहा हूँ। बाकी चलेंगे इसके बाद सेल करेंगे, जितनी भी कल की गाड़ियाँ बची हुई है उन सभी को सेल करना है। बाकी इस वीडियो को लाइक कर दो यार जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया, और अगर आप न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जल्दी से जाके जल्दी सब्सक्राइब करो। और भाई आज भी GTR पे नाम नहीं लिख पाऊंगा मैं, सॉरी, क्योंकि वीडियो पहले से बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी थी, इसीलिए मैं नहीं लिख पा रहा हूँ नाम, तो कोई बुरा नहीं मानेगा भाई। नेक्स्ट वीडियो में मैं पक्का ट्राई करूँगा, इस वीडियो पे जो 5 कमेंट आएंगे उनका ही नाम लिखूँगा, ठीक है ना। इस वीडियो पे जो 5 कमेंट आएंगे उनका नाम लिखूँगा, अभी से शुरू है नाम लिखने वाला सिस्टम। अभी चलते हैं, जितनी गाड़ियाँ हैं सभी को सेल करते हैं फास्ट फॉरवर्ड में। तो सभी गाड़ियाँ सेल कर दी हैं, अब चलते हैं सोने के लिए। बाकी गाइस ये वीडियो के बाद जो वीडियो आने वाली है ना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इसी में से मैंने कुछ क्लिप्स काट के डाली हुई है। इसमें बहुत कुछ अच्छा हुआ वो मैंने नहीं दिखाया, मैं सोचा उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा इसीलिए नहीं दिखाया। बाकी अभी नेक्स्ट डे हो चुका है, कार मार्केट प्लेस ओपन है, तो चलते हैं कार मार्केट प्लेस, देखते हैं यहाँ से जितनी भी महंगी गाड़ियाँ हैं सारी खरीदते हैं। अब भाई अब दिखी है दो ऑडी RR8 एक ही साथ, भाई मज़ा आ गया। बाकी लैम्बोर्गिनी भी है, ये आज का दिन काफ़ी अच्छा था। चलो यहाँ से ये सारी महंगी महंगी गाड़ियाँ उठाते हैं और चलते हैं ऑफिस, जाके डायरेक्ट इनको सेल करते हैं। तो अभी सेल पे लगा दिए सारी गाड़ियाँ, अभी जाएंगे सोने क्योंकि 12 बज चुका है। कल आगे इनको सेल करेंगे क्योंकि कल ऑक्शन है, जब तक ऑक्शन का टाइम जाएगा तब तक मैं सारी गाड़ियाँ सेल कर दूंगा, है ना, दिमाग बढ़िया एकदम। तो अभी देखो आ चुका हूँ सोने के लिए, बाकी देखते हैं प्रॉफिट हुआ है कि लॉस। लॉस हुआ होगा भाई, 1.1 मिलियन का लॉस, बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ खरीद ली थी। तभी देखो आज है ऑक्शन, जब तक ऑक्शन होता रहेगा तब तक अपन पूरी गाड़ियाँ सेल कर देंगे, और ऑक्शन में जाना रहेगा तो जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। तो चलते हैं अभी, जाएंगे ऑफिस डायरेक्ट और सारी की सारी गाड़ियाँ सेल करेंगे। तो अभी बैठ गए हैं GTR में, और यहाँ पे अभी ऑक्शन में आया था और सारी गाड़ियाँ ऑक्शन की खरीद लिए, क्योंकि आज बहुत जल्दी ऑक्शन हो गया, 11 बजे हो गया था, इसीलिए इनको अभी चलो टो करा देते हैं। सारी गाड़ियाँ खरीद ली थी मैंने, इनको टो करा देते हैं और चलते हैं जाके ऑफिस में, थोड़ी बहुत गाड़ियाँ सेल करते हैं, थोड़ी बहुत आके कल करेंगे, कल के लिए थोड़ी बहुत ऐसी थोड़ा थोड़ा करके इसी तरह से सारी गाड़ियाँ सेल करेंगे। बाकी आज का अपना प्रॉफिट हुआ और ये लॉस हुआ होगा क्योंकि आज गाड़ियाँ ज़्यादा सेल हुई नहीं है। नहीं यार सेल की थी, भूल गया वॉइस ओवर करते समय, 3,19,000 का प्रॉफिट हुआ आज के दिन। गाड़ियाँ आधी सेल की आधी छोड़ दी जैसे कि मैंने बताया था, तो बाकी आधी आज सेल। देखो भाई फिर से ऑक्शन यार, इसीलिए मैंने गाड़ियाँ थोड़ी बहुत छोड़ दी थी कि कल आगे सेल करूँगा जब तक ऑक्शन होता रहेगा, और ऑक्शन आज जल्दी नहीं है, थोड़ा लेट है। तभी चलते हैं ऑफिस, ऑफिस जाके सारी गाड़ियाँ सेल पर लगा देते हैं। तभी ऑफिस आ गया हूँ यहाँ पे, यहाँ पे इसको पार्क करते हैं गाड़ी को, बहुत दिन से पड़ी हुई थी वहाँ पे अपने कंटेनर के पास में, तो अभी लाया हूँ। अभी चलते हैं, कस्टमर भी हैं ऑफिस के अंदर, तो इनको फास्ट फॉरवर्ड में सेल करते हैं। तो गाड़ियाँ सेल करके आ गए हूँ फिर से कंटेनर, और आज देखते हैं आज हुआ प्रॉफिट, दवा की गाड़ियाँ बेची हुई महंगी महंगी वाली एकदम, तो प्रॉफिट हुआ है अपना 1.6 मिलियन का, अभी तक का सबसे ज़्यादा प्रॉफिट अभी हुआ है। तो अभी नेक्स्ट डे हो चुका है, और नेक्स्ट डे फिर से आ गया हूँ और कार मार्केट से बहुत सारी गाड़ियाँ यहाँ के खरीद के यहाँ पे लगा दिए, इनको बाद में सेल करूँगा। अभी चलते सोने के लिए, एकदम परफेक्ट 12 बज गए हैं, कल आगे इन गाड़ियों को सेल करेंगे क्योंकि कल होगा ऑक्शन, जब तक अपन गाड़ियाँ सेल कर देंगे तब तक ऑक्शन भी हो जाएगा,
बाकी आज लॉस हुआ है 9 लाख का, अराउंड 9 लाख का लॉस हुआ है। बाकी नेक्स्ट डे कवर हो जाएगा एकदम आराम से, क्योंकि बेचेंगे ना जो आज सारी लाई है गाड़ियाँ, वो सारी बिकेंगी, तभी चलते हैं। बाकी वह FPS बहुत ज़्यादा कम चल रहा था, तो मोबाइल बहुत ज़्यादा लैग हो रहा था, दरवाजे पे क्लिक भी नहीं हो रहा था अच्छे से। तो अभी आ गया हूँ ऑफिस और सभी को सेल कर देता हूँ। 3 गाड़ियाँ हैं, 3 से 4 हैं महंगी महंगी और कुछ सस्ती हैं, तो चलो इनको सेल करके हटाते हैं। तो सारी गाड़ियाँ सेल करके आ गया हूँ सोने के लिए अभी यहाँ पे। तो अभी देखते हैं आज कितने का प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, अभी दिखाता हूँ। चलो अभी सो रहे हैं। बाकी आज प्रॉफिट हुआ है 1.6 मिलियन का, दोबारा से दूसरी बार 1.6 मिलियन का प्रॉफिट हुआ है। भाई इस वीडियो को लाइक करो यार जल्दी से, कितनी बार बोलना पड़ेगा तुम लोग को। बाकी अभी आज कुछ नहीं हुआ, आज कार मार्केट प्लेस ओपन थी तो गाड़ियाँ खरीद के ऑफिस में रख दिए और आ गया दोबारा से सोने के लिए। 12 बज गया था वो सब करते करते। बाकी आज भी प्रॉफिट हुआ 40,000 का, एक गाड़ी बेची मैंने तो हो चुका पूरा प्रॉफिट। बाकी आज भी अनपेड बिल का दिन था, मंडे था, तो देखते कितने की बिल आई हुई है। ओ भाई 2 लाख की बिल, इतनी ज़्यादा बिल मैं नहीं भर रहा, तो इसलिए आज वटाओ इसको, बिल विल आज नहीं भरूंगा। बाकी गाड़ियाँ ढेर सारी ला के रख दी हैं कार मार्केट से, अब इसको सेल करते हैं जल्दी जल्दी, सेल करके हटाते हैं। तो मैंने एक लैम्बोर्गिनी बचा ली थी, क्योंकि ड्रैग रेस में आई हुई लैम्बोर्गिनी, तो इसको लेके चलते हैं मस्त मॉडिफाई करा के ना, इसको वहाँ पे ले जाके ड्रैग रेस करते हैं, जीत जाएंगे। तो भाई सोचो 7 लाख की बिकती है, 7-7.5 लाख की, तो 7.5 लाख रुपए ऐसे ही आ जाएंगे अपने पास एकदम आराम से, तो मज़ा आएगी। तो इसीलिए इसको यहाँ पर रिपेयर करा के फुल चलते हैं, उसके बाद ड्रैग रेस करेंगे। तो ये इसकी रिपेयर स्पीड मैंने बढ़ा रखी है, मेरे पास 2 स्किल पॉइंट जमा हुए थे तो मैंने रिपेयर स्पीड बढ़ा ली। बाकी अगला प्राइस की बारी है, और इसमें भाई स्किल पॉइंट भी मिले जा रहे थे गाड़ी परचेस करने पे। एक गाड़ी खरीदने पे 10 XP मिलता है, और अब 40 गाड़ियां अभी तक मैं खरीद चुका हूँ और बेच चुका हूँ, 40 से ज़्यादा खरीद बेच चुका हूँ। बाकी रिपेयर भी हो गया, इतनी स्पीड बढ़ गई है ना अभी। तो अभी चलते हैं, यहाँ देखो ड्रैग रेस में आ चुका हूँ। भाई सोचो अगर जीत गया तो एकदम मस्त आराम से 7.5 लाख रुपये आ जाएंगे फोकट के बिना लगाए। तो अभी देखते हैं यहाँ पे जीतते कि हारते क्या होता है। बाकी अभी तो मैं आ गई हूँ, लेकिन भाई एंड में कुछ ये हो गया, वो एकदम एन टाइम पे आई और हरा गई, और मैं बहुत ज़्यादा निराश हो गया था कि मतलब साथ 1.4 मिलियन का लॉस हुआ, 1.4 मिलियन का लॉस, समझ सकते हो भाई, तो बहुत ज़्यादा वो हो गया था। तो आ गया मैं सोने के लिए। बाकी आज देखते हैं कितने का प्रॉफिट हुआ, गाड़ियाँ बेची थी तो 6,25,000 का प्रॉफिट हुआ, बाकी लॉस तो 1.4 का हो गया, वो भी दिखाएगा नहीं इसमें। तभी आज नेक्स्ट डे कार मार्केट प्लेस ओपन था, तो इतनी सारी गाड़ियाँ कुछ लाके खड़ी कर दी यहाँ पे, और एक बच चुका है, तो इसको यहीं पे छोड़ते हैं, चलते हैं सोने के लिए, कल आके सेल करेंगे ना, क्योंकि समझ सकते हो अभी। तो आज नेक्स्ट डे आ चुका हूँ, अभी यहाँ पे चलते हैं और सेल करते हैं सारी गाड़ियाँ, सेल करके हटाते हैं फास्ट फॉरवर्ड में। तो गाइस सारी गाड़ियाँ सेल कर दी है, अब जाएंगे सोने के लिए। बाकी गाइस जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक कर दो, एक बार और बोल रहा हूँ। और जो लोग नए हैं और यहाँ तक देख रहे हैं भाई थैंक यू, और चैनल सब्सक्राइब कर लो अगर न्यू हो तो। बाकी आज सोते और 9,81,000 अराउंड 1 मिलियन का आज प्रॉफिट हुआ था। तो बाकी अभी नेक्स्ट डे आ चुका हूँ, और आज है कार ऑक्शन, तो कल की जो गाड़ियाँ बची हुई हैं उनको सेल करेंगे अभी यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड में करता हूँ। तो सारी गाड़ियां कर दी हैं सेल, अभी चलते हैं सोने के लिए। बाकी अपने पास 5.8 मिलियन जमा हो चुके हैं, बस खाली 4.2 और जमा करना है। बाकी अभी आज प्रॉफिट हुआ है 1 लाख का ओनली, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें खरीद भी ली ना मैंने, इसके वजह से प्रॉफिट थोड़ा कम हुआ है। बाकी अगले दिन देखना मस्त प्रॉफिट होगा। अभी सारी गाड़ियाँ देखो इतनी सारी सेल पर लगा दी, और सारी की सारी महंगी महंगी है, 3 महंगी है 1 सस्ती है। चलो इन सभी को सेल करते हैं, बाकी आज का प्रॉफिट तगड़ा होने वाला है, तो चलो अभी सेल करते हैं फास्ट फॉरवर्ड में। तो आज थोड़ी गाड़ियां सेल की, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, 2 बज गया, तो जल्दी से चलते हैं सोने के लिए, कल आके करेंगे, क्योंकि कल है ना अपना वो कार ऑक्शन, इसीलिए। तो आज का प्रॉफिट देखते हैं कितना हुआ, वो भाई आज लॉस हुआ है, कोई बात नहीं, मैं बोला प्रॉफिट होगा लेकिन लॉस हुआ है 9 लाख तक का। आज होगा प्रॉफिट, आज देखो आज होगा प्रॉफिट पक्का। अभी चलो इन सभी को सेल करके हटाते हैं गाड़ियों को, बाकी आज पक्का प्रॉफिट होगा, वो भी ज़्यादा होगा, दिखाता हूँ मैं। तो देखो सेल करके आ चुका गाड़ियाँ, बाकी अपने पास 7 मिलियन हो चुके हैं, बाकी 3 मिलियन और सिर्फ करने हैं भाई, सिर्फ 3 मिलियन। बाकी आज बोला था प्रॉफिट होगा ना, अभी दिखाता हूँ देखो कितना प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट हुआ है 2.5 मिलियन, अब तक का सबसे ज़्यादा प्रॉफिट 2.5 मिलियन हो चुका है, जैसे मैंने बोला था।
बाकी आज था नेक्स्ट डे, मैंने कुछ गाड़ियाँ खरीद के ला के यहाँ पे लगा दिया कार मार्केट से। तीन ही महंगी गाड़ी मिली, दो ऑडी आर रेड है और एक फरारी है, तो इन तीनों को ला के रख दिया। बाकी 12 बजने वाला है तो चलते हैं सोने के लिए। आज के लिए इतना बहुत था, तभी देखो यहाँ पे आ गया हूँ। अब यहाँ पे सोते हैं, देखते आज तो लॉस ही हुआ होगा क्योंकि तीन गाड़ी खरीदी है मैंने। हाँ, 1.25 मिलियन का लॉस हुआ है, तो कल प्रॉफिट होगा। आज लॉस हुआ है तो मतलब कल इनको बेचूंगा तो प्रॉफिट ही होगा। तो अभी नेक्स्ट डे देखो, आ चुका है यहाँ पे ऑफिस, अभी इनका कस्टमर का आने का वेट करते हैं। कस्टमर आ चुकी है, अभी आती है, चलो अभी इनको सेल करके हटाते हैं और आज का प्रॉफिट देखते हैं कितना हुआ है। तो आज का भी काम पूरा हो चुका है और 12 बजने वाले हैं, तो चलते हैं सोने के लिए। बाकी गाइस वीडियो को लाइक कर दो, एक और बार बोल रहा हूँ, और जो लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और यहाँ तक का देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। तो चलो अभी चलते हैं सोने के लिए। और आज भी प्रॉफिट हुआ होगा, तो प्रॉफिट आज हुआ है 1.3 मिलियन डॉलर का, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट है। बाकी अभी नेक्स्ट डे देखते हैं क्या होता है। तो अभी नेक्स्ट डे आ चुका हूँ यहाँ पे, और आके सब कुछ खरीद वरीद के ऑफिस में रख के वापस आ चुका हूँ, और दोबारा से सोने जा रहा हूँ। और आज प्रॉफिट फिर से हुआ है क्योंकि कल की एक बची हुई गाड़ी सेल की, और बाकी कार मार्केट में इतना अच्छा कुछ था भी नहीं इसीलिए। तो कल की ली हुई गाड़ी आज सेल करने वाले, और आज ख़तरनाक प्रॉफिट होने वाला हो, क्यों? क्योंकि तुम देख सकते हो कौन कौन सी गाड़ी यहाँ पे, ऑडी आर8 वगैरह है। चलो इन सभी को जल्दी से सेल करके हटाते हैं। तो अभी अपने पास हो चुका है 7.8 मिलियन, एक ऑडी आर8 बची, उसका सही दाम नहीं मिल रहा था इसलिए मैं जा रहा हूँ सोने के लिए, उसको कल सेल करेंगे। तो आज प्रॉफिट हुआ है 4,42,000 का प्रॉफिट हुआ है। फिर नेक्स्ट डे मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं, ऑडी आर8 जो पड़ी हुई थी उसी को सेल कर दिया, तो 8,10,000 में सेल हुई, तो वही प्रॉफिट हुआ था। बाकी नेक्स्ट डे आ चुके हैं, आज भी कार मार्केट प्लेस ओपन है, तो चलते हैं कार मार्केट, वहाँ से भारी भारी गाड़ियाँ खरीदते हैं। एकदम महंगी महंगी गाड़ियाँ खरीद के आ चुके हैं, और यहाँ पे सेल पे लगा दिए सारी महंगी गाड़ियाँ। 7.5 मिलियन डॉलर है, देखते हैं इनको सेल करने के बाद कितने होंगे। बाकी आज जाएंगे सोने, काफ़ी लेट हो गया है, तभी चलो आ गया हूँ सोने। और आज 1 मिलियन का लॉस हुआ है, तो इसका मतलब कल पूरा प्रॉफिट ही होने वाला है टोटल। तो चलो नेक्स्ट डे हो चुका है, आज चलते हैं उन सभी गाड़ियों को सेल करते हैं जो भी हमने कल खरीदी हुई थी कार मार्केट से। तो अभी आ गया हूँ ऑफिस, यहाँ पे कस्टमर भी हैं बहुत सारे, तो चलो इन सभी को सेल करते हैं, वो भी एकदम फास्ट फॉरवर्ड में। तो फाइनली भाई सारी गाड़ियाँ सेल कर दी, और 9.7 मिलियन हो चुके, बस खाली 3 लाख बाकी है भाई। एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा इस वक्त बढ़ रही थी क्योंकि सिर्फ 3 लाख बाकी था। तो आज ऑक्शन है, या तो आज जाके वहाँ से गाड़ी ला के बेचेंगे तो पूरे हो जाएंगे, या फिर हो सकता है कल कार मार्केट ओपन हो तो कल हो सकता है कि मतलब। हाँ, तो अभी गाड़ी लेके जा रहा हूँ, मतलब सोने जा रहा हूँ, भूल गया था यहाँ पे, सॉरी। तो अभी आ गया हूँ सोने के लिए, और आज देखते हैं, आज तो खतरनाक प्रॉफिट हुआ है, देखते कितने का हुआ है। सिर्फ 2 मिलियन का प्रॉफिट हुआ है, काफ़ी ख़तरनाक प्रॉफिट है फिर भी। बस खाली भाई एक लास्ट दिन है आज, और भी कार मार्केट से दो गाड़ियां लाके खड़ी कर दी है। इन दोनों को सेल करते ही हमारा चैलेंज हो जाएगा कंप्लीट, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी इसमें। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अभी कस्टमर का वेट करो, कस्टमर आते इसको सेल करता हो और ख़त्म करता हो अपना ये चैलेंज। बहुत ज़्यादा ख़तरनाक चैलेंज था ये, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक। ये ब्रो कर लिया हमने, 10 मिलियन डॉलर पूरे हो चुके हैं। वो तुम लोग 9 मत बोलना, उसका मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि 10 मिलियन मैंने पूरे किए। वो मैंने बहुत सारी चीज़ें खरीदी है, मैं दिखा रहा नहीं हूँ अभी, उसके लिए स्पेशल वीडियो बनेगी ना ब्रो, समझो थोड़ा। बाकी थैंक यू सो मच गाइस, अगर यहाँ तक आप लोगों ने देखा तो, क्योंकि बड़ी वीडियो जल्दी कोई देखता नहीं है छोटे क्रिएटर्स की, इसीलिए थैंक यू अगर आप लोग यहाँ तक आए देख चुके हैं तो। बाकी वीडियो को लाइक ज़रूर करना, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है, और हमारे 300 सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं, तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ कर लेना सब्सक्राइब। तो यही था आज की वीडियो में, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी वीडियो, पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।